और आज मैं जो आपको इम्पोर्टेंट अपडेट देने वाली हूँ कि बैग जो है वो कहाँ के लिए पैक हो चुके हैं, ये एक आपके लिए सरप्राइज है। एक्चुअली ये बैग पैक हो गए हैं दुबई जाने के लिए, क्योंकि मैं विजिट कर रही हूँ दुबई एक ऑफिशियल टूर पर और ये एक ऑफिशियल टूर है, तो आपको ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं यूएई जाने के लिए, जो रेस्ट्रिक्शंस है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि अभी कोरोना टाइम चल रहा है, कोरोना टाइम में रेस्ट्रिक्शंस और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। तो आपको तो पता ही था कि अगर आप जा रहे हैं एयरपोर्ट पे तो आपको एटलीस्ट 3 आवर्स बिफोर जो है वो एयरपोर्ट पहुंचना होता है, लेकिन अभी जो टाइमिंग है वो बढ़ गई है, आपको 6 to 7 आवर्स बिफोर जो है वो एयरपोर्ट पे पहुंचना पड़ेगा। और इतनी जल्दी क्यों जाना है वो मैं आपको भी बताऊंगी, क्योंकि अभी जो जरूरी है वो टेस्ट हो गए हैं। एक RT-PCR टेस्ट है जो कि आपको विद इन 48 आवर्स कराना है, इसके अलावा एक और टेस्ट है जो कि आपको एयरपोर्ट पे कराना है, जिसे रैपिड PCR टेस्ट कहते हैं। और जो आप यहाँ पे टेस्ट कराते हैं RT-PCR, उसकी कॉस्ट है 500 रूपीज, और वो आप किसी भी नियर बाय लैब या हॉस्पिटल से जाके करा सकते हैं जहाँ पर ये अवेलेबल है, और उस पर QR कोड होना जरूरी है। एक टेस्ट आपको एयरपोर्ट पे कराना पड़ेगा जिसको बोला जाता है रैपिड PCR टेस्ट, और उसकी जो कॉस्ट है वो आएगी 3,900 रूपीज। हाँ जी, आपने ठीक सुना, इसकी कॉस्ट है 3,900 रूपीज, ये बहुत ज्यादा है, लेकिन ये एक मैंडेटरी टेस्ट है, तो आपको वो टेस्ट कराना जरूरी है एयरपोर्ट पे। और उस टेस्ट को आने में क्योंकि 4 to 5 आवर्स का एक्सपेक्टेड टाइम लेके चलते हैं, तो इसलिए आपको एयरपोर्ट आपको 6 to 7 आवर्स बिफोर पहुंचना होगा। इसके अलावा आपका एक ईमेल पे जिस एयरलाइंस के थ्रू आपने बुकिंग की है या एजेंसी के थ्रू आपने बुकिंग की है, एक और फॉर्म आता है जिसे पैसेंजर मैनिफेस्ट फॉर्म बोला जाता है, एक तरह से एक KYC फॉर्म होता है जैसे बैंक में भी होता है। वो फॉर्म आपको फिल करना है बिफोर 24 आवर्स, और वो फॉर्म अगर आपने फिल नहीं किया तो हो सकता है कि आपको जो फ्लाइट है वो बोर्ड ना करनी दी जाए। तो ये 3 चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तो वो भी पूरी तरह से आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में आपके सारे जैसे पासपोर्ट, वीजा, आपकी IDs, और आपको कोविड, आपके जो कोविड टेस्ट है यानी वैक्सीनेशन आपकी जो बोथ है वो, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, आपकी ID होना चाहिए, पैन होना चाहिए, वीजा होना चाहिए। और इसके पास आपके पास जो एक जहां स्टे कर रहे हैं होटल, उस होटल में आप स्टे कर रहे हैं उसकी भी आप कॉपी रख लेना, क्योंकि वो भी आपसे पूछी जाएगी इमिग्रेशन के टाइम पर। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके साथ होने चाहिए, एटलीस्ट 2 or 3 sets आप बना लेना वहां पे जाने से पहले, क्योंकि आपको डिफरेंट काउंटर्स पे सेट्स जो है वो दिखाने पड़ सकते हैं और देने भी पड़ सकते हैं। तो ये सारे 3 sets आप बना लेना। आपको एक वो जो फॉर्म है वो फिल करना जरूरी है, जो कि मैंने आपको बताया कि जो आपकी ईमेल आईडी पे आएगा। इन आप इस फॉर्म को फिल करना बिल्कुल भी मत भूले बिफोर आप अपने घर से जाने से पहले, नहीं तो आपको एयरपोर्ट पे वहां पे रोका जा सकता है। और एक चीज आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है बताना, वो कि अगर आप अपना लगेज अगर आप पैक कर रहे हैं तो आपको अपने लगेज में, आपको अगर 20 kg अलाउ है एयरलाइंस में तो आपको 20 kg यहां रखना है लगेज में, या फिर अगर आपको 30 kg अलाउ है तो 30 kg आपको लगेज में रखना है। 30 kg आप मैक्सिमम 2 bags में सेपरेट कर सकते हैं। एक बैग आपका कंप्लीट 30 kg या 20 kg का हो सकता है, या फिर आपके 2 bags जो है वो 15, 5 या 10 or 10 में आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन आपके लगेज में कोई लिक्विड आइटम और बैटरी आइटम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बैटरी आइटम आपकी निकाल दी जाएगी, जैसे कि आपका कोई चार्जर है या पावर बैंक है या कोई भी बैटरी आइटम है तो वो आपकी निकाल दी जाएगी। और कोई भी ऐसी आइटम आप अपने लगेज वाले बैग में ना रखें। इसके अलावा 7 kg जो है वो आपके कैबिन बैग में जो है वो अलाउ होता है। अगर आपके पास कोई चार्जर वगैरह है तो वो अपने लैपटॉप और अगर अपने जो हैंड बैग है उसी में कैरी करिए। लैपटॉप बैग और हैंड बैग जो है वो वेट में कैलकुलेट नहीं होता। आपका जो ये बैग है वो 7 kg से अप नहीं होना चाहिए, कैबिन बैग जिसे बोला जाता है, ये कैबिन बैग आपके साथ रहता है। तो मैं आपको प्रीफर करूंगी अगर आपके पास कोई खाने पीने की आइटम है या फिर आपके पास ब्लैंकेट या कोई आपकी जैकेट है तो वो आप अपने साथ रखिए, ताकि आप कैबिन से उसको लेके खा सके। इस तरह का जो आपका हैंड बैग है, इस हैंड बैग में आप अपना पासपोर्ट लेके चलिए, क्योंकि पासपोर्ट आपको कई जगह दिखाना होगा, कई जगह शो करना होगा, तो पास के पास रहेगा। और आपके साथ सारी IDs भी यही रखिए, ताकि आपको कहीं पे भी शो करनी होगी तो आपको ये आप आसानी से दिखा सके। अब मैं आपसे मिलूंगी सीधा एयरपोर्ट पे, और एयरपोर्ट पे आपको क्या करना जरूरी है वो मैं आपको वहीं पे बताऊंगी। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो अगर आप इस कोरोना टाइम पे दुबई विजिट कर रहे हैं तो चलिए अब मिलेंगे हम एयरपोर्ट पे, और सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ में मैं वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहूंगी, क्योंकि मेरा काम है आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करना, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ताकि आपकी फ्लाइट जो है मिस ना हो और फ्लाइट बुक करने के बाद आप बोर्ड करने से ना रह जाए। तो ये वीडियो जो है आपकी
बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो गाइस देखिए, मैं अभी अभी एयरपोर्ट पहुंच चुकी हूं और अभी जो है ये सभी जो है मुझे छोड़ने जा रहे हैं, सभी फैमिलीज जो है वो मुझे सी ऑफ करने आए हैं। ये देखिए मेरी फैमिलीज मेरे साथ हैं और ये सभी लोग जो है वो मुझे सी ऑफ करने आए हैं और अभी हम जा रहे हैं लिफ्ट से ऊपर और एयरपोर्ट की तरफ। तो और ये देखिए अभी हमें जा रहे हैं और इसके पहले अभी जस्ट हमें एयरपोर्ट पहुँचे हैं और अभी जो टाइम हुआ है वो करीब 2:15 करीब हुआ है और सबसे पहले जाके मुझे कराना है रैपिड पीसीआर टेस्ट। रैपिड पीसीआर टेस्ट की मैं पहले ही बता चुकी हूँ जो कॉस्ट है वो 3900 है और अभी हमें बढ़ना है आगे एयरपोर्ट में रैपिड पीसीआर टेस्ट की जहाँ पर सैंपल कलेक्शन और पेमेंट होना है, तो अभी हमें जाना है उस तरफ। तो अभी हम जा रहे हैं उसी तरफ रैपिड पीसीआर का टेस्ट कराने जो एयरपोर्ट पे सबसे मैंडेटरी है, जिसके बिना आपको अलाउ नहीं करेंगे। और ये देखिए ये मेरी फैमिलीज़ हैं और फैमिली जो है यहाँ पे एयरपोर्ट के मज़े भी ले रही है और बच्चे हैं जो है हम जल्दी जल्दी जा रहे हैं क्योंकि कभी हम मैं लेट ना हो जाऊँ फ्लाइट बोर्ड करने में, इसलिए हम बहुत तेज़ जा रहे हैं क्योंकि ऑलमोस्ट हम काफ़ी लेट हो चुके हैं और अभी जो टाइम हुआ है वो करीब 2:30 होने ही वाला है। राइट साइड में जो है वो मेरी डॉटर जो है और अनन्या जो है वो मेरे साथ साथ जा रहे हैं, हम काफ़ी तेज़ चल रहे हैं ताकि हम मैं लेट ना हो जाऊं और आगे बढ़ रहे हैं। आफ्टरनून का समय है, थोड़ी धूप हो रही है, सनसाइन जो है वो काफ़ी तेज़ है इसलिए, और हमारे पास सामान भी है। वो मेरे हस्बैंड जो है वो देखो दीपक जो है वो आगे जा रहे हैं और आयाना भी है और अभी हम जा रहे हैं राइट की तरफ, हमें राइट गेट की तरफ जाना है तो काफ़ी तेज़ हम जा रहे हैं। और पीछे मेरी मदर इन लॉ है, वो भी मुझे सी ऑफ करने आई हैं आज एयरपोर्ट पर। और एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स के लिए फूड्स और काफ़ी सारी शॉप्स और शॉपिंग वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो गाइस आराध्या भी आपको हाय कह रही है। तो अब मैं जा रही हूँ रैपिड पीसीआर टेस्ट कराने जो कि ऊपर वाले फ्लोर पे हमें पता चला है कि ऊपर हो रहा है, तो अभी हम लिफ्ट से जा रहे हैं ऊपर रैपिड पीसीआर टेस्ट कराने। रैपिड पीसीआर टेस्ट आप ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और ऑफलाइन भी रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपके फ़ोन में स्कैन करने का सिस्टम है तो आप यहां से डायरेक्ट स्कैन करके पेमेंट जो है वो ऑनलाइन कर सकते हैं और ऑनलाइन करने के बाद में जो राइट साइड सैंपल बूथ है वहां पर सैंपल कलेक्ट करा सकते हैं। तो मेरे फ़ोन में तो स्कैन का सिस्टम नहीं है इसीलिए जो है अभी हम ऑफलाइन फॉर्म भर रहे हैं। मुझे भरना है रैपिड पीसीआर के लिए एक फॉर्म और वो फॉर्म जो है वो मैं अभी भरती हूँ और फॉर्म भरने के बाद में वो पेमेंट करना है। जो पेमेंट काउंटर यहाँ पे साइड में बने हुए हैं तो साइड में जो काउंटर बने हैं वहाँ पर करानी है हमें 3900 की पेमेंट और पेमेंट कराने के बाद में फिर मुझे कराना है सैंपल कलेक्शन। तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि पेमेंट जो काउंटर है वो किस तरफ है। ये देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे काउंटर जो हैं वो बने हुए हैं और काफ़ी सारे काउंटर जो हैं वो पैसेंजर्स की सुविधा के लिए बने हैं ताकि पैसेंजर को जो फ्लाइट बोर्ड करने में कोई डिले ना हो पाए। तो मेरे जो ब्रदर हैं ऑलरेडी एक काउंटर पे लगे हैं ताकि उन्हें पेमेंट्स करानी है और होपफुली मेरी जो पेमेंट है वो जल्दी हो जाएगी और उसके बाद जो मेरा सैंपल कलेक्शन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो फॉर्म मैंने ऑलरेडी भर लिया था और अब हो रही है पेमेंट। और फॉर्म में आपको अपने पासपोर्ट वीज़ा वगैरह और जो अपनी पर्सनल आईडी वगैरह की डिटेल डालनी होती है। ये देखिए जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ये है रैपिड पीसीआर सैंपल कलेक्शन बूथ और ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रैपिड पीसीआर सैंपल कलेक्शन पर सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं। और अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है तो उसका जो सैंपल कलेक्शन है वो ये वाला, अगर आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर आके अपना सैंपल कलेक्शन जो है वो करा सकते हैं क्योंकि आपका ऑनलाइन में पेमेंट नहीं लेनी होती है। तो लेकिन अगर हमारा ऑफलाइन है तो हमें वहाँ सैंपल जो है वो कलेक्ट कराना है। तो मैं जो हूँ अभी वेट कर रही हूँ कि जो मेरा पेमेंट है अभी हम काउंटर पे जो है कराने गए हैं 3900 जो कि काफ़ी ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट ने फीस तय की हुई है एयरपोर्ट पे जो काफ़ी ज़्यादा है और आम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर गवर्नमेंट, मैं चाहूँगी कि गवर्नमेंट इसे कम करे। और अभी हम लोग सभी वेट कर रहे हैं कि मेरी पेमेंट जो है वो काउंटर पे हो जाए तो मैं भी फिर अपने सैंपल कलेक्ट कराऊँ और मेरी फैमिली भी मेरे साथ यहाँ वेट कर रही है, आप देख सकते हैं।
रेड काउंटर पे रैपिड पीसीआर की जो सैंपल है वो कलेक्शन हो चुका है और अब मैं जा रही हूँ अपना लगेज कलेक्ट करके काउंटर नंबर 7 पर। काउंटर नंबर 7 पे जो है वो मुझे अपनी रिपोर्ट मिलने वाली है। अब हमें वहाँ जाना है और ये मेरी फैमिली वेट कर रही थी सैंपल कलेक्शन का। और अब देखिए मेरी मदर इन लॉ और ये सारी फैमिली जो आ रहे हैं मुझे फाइनल सी ऑफ करने काउंटर नंबर 7 पे, क्योंकि अंदर मुझे अकेले ही जाना होगा, ये लोग नहीं जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये मेरी फैमिली जो है वो सभी मेरे साथ हैं। ये अनन्या है और उसके बाद में अभी मैं आपको दिखाती हूँ दीपक और ये सभी जा रहे हैं। सभी लोग को काफ़ी फन लग रहा है और अभी मैं अभी आपको बच्चे दिखाऊंगी, ये देखो कैसे इंजॉय कर रहे हैं। ये ट्रॉली पे ना अभी बैठे हैं और मैं अभी आपको ये दिखाती हूँ, ये देखो अभी ये देखो कैसे ये अयाना और अनन्या आराध्या जो है वो कैसे इंजॉय कर रही है। इनको बड़ा फन लग रहा है और मुझे तो देख के भी बड़ा मज़ा आ रहा है कि ये लोग कैसे ट्रॉली पे इंजॉय कर रहे हैं। और अभी हमें जाना है आगे से लेफ़्ट और लेफ़्ट में अभी ऊपर जाना है हमको और ऊपर जाके जो है हमारे को वहाँ पे काउंटर नंबर 7। अब हम यहाँ से लेफ़्ट जाएंगे और सामने जो आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है वो जो बोर्ड है वहाँ पर सारी फ़्लाइट की इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ पे सारी फ़्लाइट्स की इन्फॉर्मेशन जो है अभी आज की जो है वो यहाँ पे शेड्यूल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी फ़्लाइट की इन्फॉर्मेशन आ रही है। और अभी हमें बढ़ना है आगे और हमें जाना है ऊपर वाले फ्लोर पर। तो ऊपर वाले फ्लोर पे अभी हम जा रहे हैं और मूवेबल एस्केलेटर यूज़ कर रहे हैं। तो ये है मेरी फैमिली जो फाइनल सी ऑफ करने के लिए मुझे जा रहे हैं फाइनल गेट पे, क्योंकि ये लोग आगे नहीं जा पाएंगे, आगे मेरे ब्रदर है। और ये देखिए सभी जो है यहाँ पे काफ़ी, और ये देखो आराध्या, आराध्या देखो आगे आगे जा रही है और आगे ये देखिए ये एयरपोर्ट जो है काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है। और ये देखिए एस्केलेटर पर ऑलमोस्ट हमें कितना मज़ा आता है, ऐसा लगता है कि जैसे इसी पर चलते रहें। तो ये देखिए अभी हम जा रहे हैं ऊपर वाले फ्लोर पे, आगे आगे बढ़ रहे हैं तो और आपको आगे दिखाती जाती हूँ। अब आ गए हैं हम ऊपर वाले फ्लोर पे और अब जो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको गेट नंबर 5 दिखेगा। यहाँ पर गेट नंबर 5 है, देन 6 है, देन 7 है। आप किसी भी गेट से आप एंटर कर सकते हैं और जिस भी गेट से आप एंटर करें आपको अंदर जो है, लेकिन मुझे अंदर जो है वो 7 गेट नंबर से ही मेरी रैपिड पीसीआर की रिपोर्ट मिलेगी। तो अभी मैं एंटर किसी भी गेट से कर सकती हूँ। तो यहाँ मैं अभी हम 5 के आगे ऑलमोस्ट आ गए हैं और यहाँ मेरी फैमिली को फाइनली मुझे सी ऑफ करना होगा, क्योंकि वो आगे नहीं जा सकते और यही वो पॉइंट है जहाँ पर मेरी फैमिलीज को मुझे सी ऑफ करना पड़ेगा। तो अभी हम यहाँ थोड़ा वेट कर रहे हैं ताकि हम थोड़ी फैमिलीज़ के साथ टाइम स्पेंड करें और अभी हमें टाइम रहते हम सैनिटाइज करने लगे। हम सभी लोग यहाँ पर सैनिटाइज कर रहे हैं ताकि सेफ्टी भी रहे, प्रिकॉशंस भी रहे और थोड़ा टाइम स्पेंड कर लें। तो अभी हम यहाँ थोड़ा सा वेट कर रहे हैं 5-10 मिनट अपनी फैमिलीज के साथ में, ताकि अंदर जाने से पहले मैं थोड़ा सा टाइम स्पेंड जो कर लूँ, थोड़ी कुछ बातचीत हम कर लें। बस अब अंदर जाने का टाइम आ गया है और फैमिलीज़ को सी ऑफ करने का टाइम आ ही गया है। ये फाइनली मेरी बेटी अयाना जो है वेव कर रहे हैं फाइनल सी ऑफ के लिए और ये एक इमोशनल मोमेंट है। तो गाइस अब मैं आ गई हूँ अपनी रैपिड पीसीआर की रिपोर्ट का टेस्ट लेने और मेरे पीछे जो आप ये जो यहाँ पे काउंटर देख रहे हैं ये जो काउंटर है ये वो काउंटर है जहाँ पर हमें रैपिड पीसीआर की रिपोर्ट जो है वो मिलने वाली है। और यहाँ पर मैंने एक बार अपने जो रिपोर्ट का पता कर लिया है और मुझे पता चला कि अभी मेरी जो रिपोर्ट है वो आने में टाइम लगेगा। इन्होंने बोला है कि अभी और हाफ एन आवर वेट करो, तो मैं अभी वेट कर रही हूँ और हाफ एन आवर। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग हैं अपनी रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं और मैं भी अपनी रिपोर्ट का वेट कर रही हूँ। और एक बार फिर से जो है मैंने अपनी रिपोर्ट का पता किया है, हाफ एन आवर हो गया था तो उसके बावजूद भी अभी मेरी रिपोर्ट नहीं आई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी टाइम लग रहा है, तो आपको एयरपोर्ट पे काफ़ी जल्दी आना ज़रूरी है। और क्योंकि 3 घंटे पहले अगर आप आए तो भी आपका ये काम नहीं होगा क्योंकि काफ़ी टाइम लग रहा है। ऑलरेडी 4:30 हो चुके हैं और यहाँ पर आप काउंटर पे देख सकते हैं कि भीड़ बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा रश है और जैसे जैसे जो फ्लाइट्स का टाइम जो है नज़दीक आ रहा है यहाँ पे रश काफ़ी बढ़ता जा रहा है और भीड़ काफ़ी ज़्यादा है और ये ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा मतलब कि मुश्किल की बात है। थर्ड टाइम जो है मैंने अभी अपनी रिपोर्ट के बारे में पता किया है और मेरी रिपोर्ट अभी नहीं आई है। उन्होंने और मुझे 10-15 मिनट्स वेट करने के लिए बोला है और अब 4:45 हो चुके हैं तो मैं और 15 मिनट्स वेट करूँगी।
तो गाइस आप देख सकते हैं कि फाइनली मुझे रैपिड पीसीआर की रिपोर्ट जो है वो मिल चुकी है और ये मुझे बहुत मुश्किल से मिली है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश हो रखा है। मैं आपको पीछे मेरे दिखाती हूँ कि यहाँ पे कितना रश है आप, और रैपिड पीसीआर की रिपोर्ट लेना ऑलमोस्ट काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है सभी के लिए। तो मुझे ये रिपोर्ट मिल गई है, मुझे तो फाइनली ये मिल गई है। तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि एयरपोर्ट पर जल्दी आना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये मैंने जो टेस्ट कराया था वो करीब 2:30 बजे 2:30 पर कराया था और अब ऑलमोस्ट 5 बज चुके हैं। तो मैं जा रही हूँ अपने चेक इन की तरफ। तो मैं आ गई हूँ अपने चेक इन वाले गेट पर। मैंने जो पहला काउंटर पूछा जब मैं आई, तो मैंने पहला काउंटर पूछा दिल्ली टू शारजा, तो जो पहला काउंटर था वही दिल्ली टू शारजा का था। तो गाइस अब मैं जो जिस लाइन में लगी हुई हूँ वो है चेक इन वाले जो लाइन है उसमें मैं लगी हुई हूँ। तो और मेरे आगे जो है वो करीब 10 to 12 जो पर्सन है वो आगे हैं अभी लाइन में, तो मेरा नंबर उनके बाद है। तो इंडिगो एयरलाइंस की यूएई जाने वाली अलग अलग स्टेट्स की जो फ़्लाइट्स हैं उनके काउंटर अलग अलग हैं, जैसे अबू धाबी का, कतर का और शारजा का। तो मैंने जो पता किया था शारजा वाला, मैं उसी काउंटर में लगी हूँ। तो अगर आप इंडिगो एयरलाइंस से या किसी भी एयरलाइन से जा रहे हैं तो आप जो कन्फर्म कर लीजिए कि जो डेस्टिनेशन है वो उसी काउंटर की होनी चाहिए जहाँ की आपकी फ़्लाइट है, अदरवाइज़ ऐसा हो सकता है कि आपका टाइम वेस्ट हो जाए। और अभी जो है ये चेक इन के लिए देखो कुछ ही जो है लोग बचे हैं, अभी मेरा नंबर आने वाला है, ऑलमोस्ट 2 or 3 पीपल हैं, उसके बाद जस्ट मेरा ही नंबर है। और यहाँ मुझे कराने हैं अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई, उसमें वीज़ा, पासपोर्ट और इंश्योरेंस और कोविड की जो दोनों रिपोर्ट्स हैं वो वेरीफाई ये लोग कर रहे हैं। तो यहाँ मैं अभी दिखा रही हूँ अपना पासपोर्ट, वीज़ा और ऑलमोस्ट मेरा नंबर आ ही गया है और मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो अभी जस्ट सबमिट किए हैं। तो देखते हैं मेरे डॉक्यूमेंट्स जो है वो वेरीफाई हो जाए। तो गाइस फाइनली मेरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई हो गए हैं इंडिगो में, और इन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करा लिए हैं। और बस अब मुझे जो है अपना लगेज जो है वो यहाँ सबमिट कराना है, मुझे अपना लगेज जो है वो यहाँ छोड़ना है जो कि आपके साथ नहीं जाएगा, जो कि मेरा 30 kg का जो अबाउट जो मेरा लगेज है वो उस काउंटर पर मैं आ गई हूँ। और तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 30 kg तक के जो मेरे दो बैग हैं वो मैं यहाँ छोड़ रही हूँ, और उसके बाद जो 7 kg का जो कैबिन बैग है वो मुझे अपने साथ ले जाना है। इन्होंने मुझसे कंफर्म किया है कि इसमें कोई लगेज, इसमें बैटरी आइटम तो नहीं है, मैंने कोई बैटरी आइटम इसमें नहीं रखी है। और अब मैं बढ़ रही हूँ आगे इमिग्रेशन की तरफ। तो गाइस सामने आप जो गेट देख रहे हैं ये है इमिग्रेशन का गेट, और अभी मुझे ये पास करना है। और मैंने जो अपने बैग है वो लगेज वाले बैग वो यहीं काउंटर पे छोड़ दिए हैं, और अब मैं बढ़ रही हूँ इमिग्रेशन की तरफ। इमिग्रेशन में आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट जो है वो दोबारा दिखाने पड़ते हैं, और मैं जा रही हूँ अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को ऊपर दोबारा वेरीफाई कराने। यहाँ पर सुना है कि बहुत सारे क्वेश्चन आंसर भी पूछे जाते हैं, तो लेट्स सी मुझसे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं इसे ठीक से पास कर पाऊँ, मैं उम्मीद कर रही हूँ। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ जो इमिग्रेशन के अंदर जो काउंटर, ये देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे काउंटर्स हैं। तो ये जो सभी काउंटर्स हैं, और मैं बढ़ रही हूँ अपने काउंटर की तरफ। तो ये रास्ता है और हम बढ़ रहे हैं अपने काउंटर की तरफ, और मैं ये आशा कर रही हूँ कि मेरा जो इमिग्रेशन है वो जल्दी से पास हो जाए और कोई दिक्कत ना आए। तो लेट्स सी क्या होता है। और अब मैं वेट कर रही हूँ अपने नंबर का, और मेरा नंबर ऑलमोस्ट आ गया है, मैं जस्ट नेक्स्ट मेरा ही नंबर है। तो देख सकते हैं आप सामने मुझे जाना है नेक्स्ट, और इसके बाद मेरा ही नंबर है। तो गाइस मैं गई थी इमिग्रेशन काउंटर पर, तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बाकी सभी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने चेक किए, लेकिन मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स तो ओके थे, लेकिन एक डॉक्यूमेंट्स की वजह से उन्होंने फ़िलहाल मुझे जो है वो यहाँ ही पे स्टॉप कर दिया है, और वो मुझे अभी अलाउ नहीं कर रहे हैं। मैं बता दूँ वो क्या है कि जो मेरी रिटर्न टिकट है वो 26th की शेड्यूल थी, और मेरा जो होटल बुकिंग थी वो जस्ट 4 days का था। तो वो कह रहे हैं कि जब तक कि आपकी रिटर्न टिकट है तभी तक का जो होटल बुकिंग होना चाहिए, अदरवाइज आपको अलाउ नहीं करेंगे। मुझे बताया गया था कि 1 week का काफ़ी है और उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन फिलहाल तो मुझे प्रॉब्लम हो गई है और काफ़ी टेंशन की बात भी है, क्योंकि फ़्लाइट का टाइम जो है वो नज़दीक आता जा रहा है और ये मुझे अलाउ नहीं कर रहे हैं, और अर्जेंटली मुझे जो है अपनी होटल की डेट जो है वो एक्सटेंड करानी पड़ रही है। तो होपफुली मेरी जो डेट है वो जल्दी से एक्सटेंड हो जाए, मैं वेट कर रही हूँ।
क्योंकि मैं ट्रैवल कर रही हूँ यूएई, और मुझे बताया गया कि यूएई में जो लॉज हैं वो काफ़ी ज़्यादा सख्त हैं, आपको दिक्कत हो सकती है। तो मैं भी यही सोच रही हूँ कि हो सकता है कि मुझे दुबई में जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए, तो मैं यहीं से कराऊँ तो ज़्यादा अच्छा है, और आपको ये प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जब तक कि आपका जो विज़िटर वीज़ा है वो शेड्यूल होता है तभी तक कि आप होटल बुकिंग करा लें, नहीं तो आपको मेरी तरह जो है वो समस्या हो सकती है। तो गाइस, फाइनली मैंने इमिग्रेशन पास कर लिया है और अब मैं आ गई हूँ कस्टम की तरफ, और यहाँ पर हो रहे हैं कस्टम्स की चेकिंग, और यहाँ पर मुझे पास करना है कस्टम से। मैं इसको पूरा शूट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मुझे अपना जो फ़ोन है वो सबमिट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर फ़ोन जो है वो स्कैन करना पड़ता है, लैपटॉप और एवरी बैग जो है आपके पास सबको स्कैन करना पड़ता है। तो मैं आपसे मिलूँगी कस्टम को पास करने के बाद में। देखिए, मैंने कस्टम भी क्लियर कर लिया है और काफी टाइम लगा है, ऑलरेडी 6:35 हो गए हैं और अब मैं अपने जा रही हूँ गेट 11B की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है और अब गेट की तरफ जा रही हूँ जल्दी जल्दी क्योंकि 1/2 घंटा ही बचा है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सब कुछ खाने पीने का, लॉन्स, फूड कोर्ट वगैरह और काफी चीजों है, शॉपिंग आप कर सकते हैं, फूड अगर आपने भूख लग रही है तो आप खा सकते हैं, और अगर आपके पास टाइम है तो आप यहाँ पे बैठ के थोड़ा वेट भी कर सकते हैं अगर आपकी फ़्लाइट डिले है, क्योंकि मेरी फ़्लाइट जो है वो ऑलमोस्ट टाइम हो गया है तो मैं जा रही हूँ, तो मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन अगर आपके पास टाइम हो और अगर आपको खाना है तो आप खा सकते हैं। और मैंने अभी पूछा है कि 11B गेट नंबर किस तरफ है, तो वो मुझे बताया गया है कि वो राइट की तरफ है, तो मैं जा रही हूँ राइट की तरफ। और ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो व्यू है ये बिल्कुल एक मॉल की तरह है, यहाँ पे आपको बिल्कुल ऐसी फीलिंग आएगी जैसे आप किसी मॉल में वॉक कर रहे हैं। तो गाइस, जैसा कि आपने सुना कि एयर होस्टेस यहाँ पे ऑलरेडी खड़ी हैं और जो गाइड कर रही हैं कि जो दिल्ली टू शारजा की जो फ़्लाइट है वो किस वे की तरफ है, और उन्होंने बताया राइट, और मैं ऑलरेडी राइट में मुड़ गई हूँ और वॉक कर रही हूँ। काफ़ी चलना पड़ता है और अभी तक मैंने फ़्लाइट पर मैं पहुँची नहीं हूँ। आपको पता होगा कि मैं यहाँ पर 2 बजे पहुँच गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अभी तक मैंने फ़्लाइट तक नहीं पहुँच पाई हूँ। 7:10 की मेरी फ़्लाइट है और मुझे डर है कि कहीं वो मैं लेट ना हो जाऊँ, इसलिए मैं जल्दी जल्दी चल रही हूँ, और मुझे 5 मिनट का भी टाइम नहीं मिला है। मैंने 5 मिनट भी वेट नहीं किया है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अभी तक नहीं फ़्लाइट बोर्ड कर पाई हूँ, और मैं अभी आगे जा रही हूँ और देखती हूँ कि और मुझे कितना चलना पड़ता है। तो गाइस, अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि 5 to 6 hours जो है वो जल्दी आना क्यों ज़रूरी है। ये लगातार इसमें यहाँ पे टाइम लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है एयरपोर्ट पे फ़्लाइट्स को बोर्ड करने में, और मैं अब आगे जा रही हूँ और देखते हैं आगे क्या है। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक दी गई है पैसेंजर्स की सुविधा के लिए, एक ये बेल्ट दी हुई है जिसपे हमें वॉक नहीं करना, तो काफ़ी फ़न है, और ये मेरी पहली इंटरनेशनल जर्नी है, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ और आप भी काफ़ी एक्साइटेड होंगे, और आपको भी मैंने शामिल किया है अपनी इस जर्नी में, और होपफुली आप भी इंजॉय कर रहे होंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर बोर्ड लगे हुए हैं जिन पे गेट नंबर लिखा हुआ है, तो अभी जो है वो 11 की तरफ मुझे जाना है, और 11 जो है वो आगे है यहाँ, क्योंकि यहाँ पर तो अभी जो नंबर लिखा है वो है 6:14, तो मैं जा रही हूँ अभी और आगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये सेकंड बेल्ट आ गई है, अब मैंने सेकंड जो है वो बेल्ट उसको भी कंप्लीट कर लिया है, और ऑलमोस्ट आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है 9:14, तो ये गेट नंबर 9:14 है और मुझे जाना है 11 की तरफ, और मुझे और आगे बढ़ना होगा। तो ये आ गई हमारी 3rd escalator belt, अब मैं चढ़ गई हूँ 3rd escalator movable belt पे, और होपफुली आगे जो है 11 वाला जो गेट है वो मुझे मिल जाएगा इसके बाद, तो मैं यही आशा कर रही हूँ। तो नेक्स्ट जो गेट नंबर है वो कौन सा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ओ फाइनली आई रीच ऑन 11 गेट नंबर, और ये देखिए 11 लिखा हुआ है, और फाइनली जो है मेरी फ़्लाइट का गेट नंबर मुझे मिल गया है, और मैं मूव कर रही हूँ 11 की तरफ। यहाँ पर पैसेंजर के दोनों कोविड टेस्ट और बोर्डिंग पास देखे जा रहे हैं, और यहाँ हमें मुझे वो दिखाना है, तो अभी मेरा नंबर जस्ट आने ही वाला है और इसके बाद हम फ़्लाइट में जा सकते हैं। तो यहाँ मुझे अपना बोर्डिंग पास जो है वो फ़्लाइट बोर्ड करने से पहले दिखाना था, जो मैंने दिखा दिया है, और अब मैं बढ़ रही हूँ अपनी फ़्लाइट की तरफ, और अब जो रास्ता जा रहा है वो फ़्लाइट की तरफ जा रहा है,
और मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ ये जो रास्ता है वो कवर करें। मैं बहुत खूबसूरती से ये मैंने बहुत ही मेहनत से ये वीडियो कवर की है, क्योंकि फ़्लाइट में लगातार जाना और उसके बाद में अपने कैमरेज को पकड़ना ये आसान नहीं है। मैं काफ़ी थक भी गई हूँ, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए वीडियो जो है मैंने कवर की है, और आप इसे ज़रूर लाइक करना क्योंकि इसमें मेरी बहुत मेहनत लग रही है, क्योंकि मैंने बहुत लंबे समय से इसको कवर करने की पूरी कोशिश की है। राइट साइड में फ़्लाइट के विंग्स दिखाई दे रही हैं और ये रास्ता सीधा फ्लाइट के गेट की तरफ जा रहा है, और ये जो है अब मैं फाइनली जो गेट है, ये गेट जो है सीधा आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कि फ़्लाइट खड़ी हुई है। मैं ट्रेवल कर रही हूँ इंडिगो से और ये इंडिगो की फ़्लाइट यहाँ पर खड़ी हुई है, और ये देख सकते हैं लेफ्ट साइड में ये जो आपको दिख रहा है ना फ्रंट फ्लाइट का, और यहाँ पर जो पायलट्स हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं ऑलरेडी, क्योंकि ऑन टाइम मेरी फ़्लाइट है। और ये आ रहा गया मेरा गेट, तो ये रहा गेट और मैं कर गई हूँ इसके अंदर एंटर। तो दोस्तों चलते चलते काफ़ी देर हो गई है और फाइनली मैं अपनी फ़्लाइट्स के अंदर जो है वो पहुंच गई हूं, और अब मैं जा रही हूं अपनी सीट की तरफ। मुझे काफ़ी सेटिस्फेक्शन है कि मैं ऑन टाइम जो है वो फ़्लाइट में पहुंच गई हूं, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊं, बट मैं ऑन टाइम हूं। बस मैं कुछ ही मिनट पहले अपनी फ़्लाइट में पहुँची हूँ और अभी मेरी सीट है। फाइनली मैं अपनी फ़्लाइट में पहुँच चुकी हूँ और ये मेरी फ्रंट सीट है जिसमें इंडिगो के कुछ पैम्पलेट्स रखे हुए हैं, और मैं यहाँ पर अभी आपको दिखाती हूँ ये निकाल के। इसमें इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है कि आप फ़्लाइट में जब जो है सफ़र करें तो आपको क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है, और ये सभी जो पैसेंजर हैं वो भी अपनी ऑलमोस्ट सीट पे पहुंच चुके हैं। तो शाम का समय है, ठंड का, और बाहर का नज़ारा भी बहुत सुंदर लग रहा है और आप भी इंजॉय कर सकते हैं। ये खूबसूरत है लाइटिंग, और अभी बस हम वेट कर रहे हैं टेक ऑफ करने का। सभी जो पैसेंजर्स हैं ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। तो गाइस अब टाइम हुआ है 7:09 और 7:10 पर ये जो फ़्लाइट है वो टेक ऑफ करेगी, और अब अनाउंसमेंट जो है वो हो रही है। तो गाइस देखिए शाम के वक्त जो ये लाइटिंग है एयरपोर्ट पे वो कितनी खूबसूरत लग रही है, और आपको भी ये खूबसूरत लग रही होगी। और वाकई जो एयरपोर्ट पे लाइटिंग है वो बहुत ही अच्छी लग रही है। ये बहुत सारी लाइटिंग है, बहुत सारे प्लेन्स जो हैं वो खड़े हैं, और आप देख सकते हैं कि ये जो नज़ारा है लाइटिंग का और रनवे का वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। यहाँ पे आपको प्लेन भी खड़े हुए दिखाई दे रहे होंगे बहुत सारे, और ये देखिए अभी ऑलमोस्ट बहुत सारी जो फ्लाइट्स हैं वो रनवे पर तैयार हैं अपना टेक ऑफ करने के लिए। तो गाइस जस्ट टेक ऑफ करने के बाद में जो नीचे लाइट्स हैं वो कितनी खूबसूरत लग रही है, इसे देखना बहुत ही अपने आप में एक अमेजिंग है। और ये देखिए रोड भी कितनी खूबसूरत है, लाइटिंग कितनी खूबसूरत लग रही है, तो बहुत ही सुंदर नज़ारा है। तो दोस्तों वीडियो की क्वालिटी जो है वो इतनी अच्छी नहीं आएगी क्योंकि लाइट जो है वो ऑफ है, और अभी हम एयर में हैं, एक घंटा जो है वो बीत चुका है। और अगर अभी आपको कुछ फ्लाइट्स में खाना पीना है तो यहाँ पे पेड सर्विसेज हैं, तो जहाँ पर पेड सर्विसेज होती हैं वहाँ पर आप कुछ भी अगर खाना है या कॉफ़ी या टी लेनी है तो आपको जो है वो वहाँ पर पे करना पड़ेगा। और अभी जो है वो थोड़ा थोड़ा ठंड का टाइम हो गया है, तो मुझे लगता है कि मेरे पास ऑलमोस्ट जो मेरे कैबिन में मैंने जैकेट रखी थी, तो जब भी मुझे ऐसा फील होगा तो मैं जैकेट निकाल के पहन सकती हूँ। तो आप भी अगर आपको अगर इस तरह से आपको रात में जो है अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप अपनी जैकेट या कुछ भी पहनने का जो है वो अपने कैबिन में रखेंगे तो आप उसे लेके पहन सकते हैं। तो यहाँ पे जो रात का जो समय है वो ऑलमोस्ट बहुत लोग जो है वो ऑलरेडी सो गए हैं। एक घंटे बाद करीब जो है वो फ़्लाइट अब लैंड करेंगी। तो ये देखिए दोस्तों ये फ़्लाइट लैंड करने से पहले का नज़ारा है। फ़्लाइट जो है जब नीचे नीचे जो शारजा एयरपोर्ट पे अब थोड़ी नीचे आ गई है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन नीचे का नज़ारा जो है वो दिखने लगा है, क्योंकि जो लैंड करने के लिए जो फ़्लाइट है वो ऑलमोस्ट आगे आ गई है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नज़ारा जो है वो अब दिखने लगा है, लाइटिंग दिखने लगी है, और ये अब रोड भी दिखने लगी है। तो गाइस देख सकते हैं आप जो फ्लाइट जो है वो रनवे पे ऑलरेडी टच कर गई है, और फ्लाइट जो है रनवे पे दौड़ रही है। और ये देखिए शारजा का एयरपोर्ट, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये शारजा का एयरपोर्ट है जो कि शारजा पे हमारी फ्लाइट अभी खड़ी हुई है। और
और पैसेंजर जो है वो वेट कर रहे हैं गेट खुलने का। और यहाँ पे ये देखिए, जैसे ही हम फ्लाइट से नीचे उतरते हैं, इन्होंने जो एक फैसिलिटी दी है रैपिड पीसीआर की, यहाँ पे हमें रैपिड पीसीआर कराना है। तो सभी रैपिड पीसीआर जैसे ही मैंने कराया है, अब हम जा रहे हैं शारजा के एयरपोर्ट के अंदर। तो शारजा के एयरपोर्ट पे जैसे ही मैं एंटर करती हूँ तो मुझे जो अनाउंसमेंट सुनाई देती है, तो एंटर करते ही यहाँ पे अरबी लैंग्वेज में एक अनाउंसमेंट हो रही है, मैं आपको सुनाती हूँ। और ये बहुत ही अलग हमारे लिए, يرجى من السادة المسافرين على متن العربية للطيران الرحلة رقم तो आपने सुनी अरबी लैंग्वेज में अनाउंसमेंट, ये बहुत ही अलग है ना हमारे लिए। और यहाँ पर इस यूएई के एयरपोर्ट पर जो यहाँ का स्टाफ है, उन्होंने यहाँ की यूनिफॉर्म पहनी हुई है बरमूडा, जो कि मैंने अपनी आंखों से पहली बार देखा है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, आपको दिखाई दे रहा है? मुझे बहुत ही सरप्राइजिंग लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो बिल्कुल मतलब ठंड है नहीं, और इन्होंने बिल्कुल ऐसा पहना हुआ है। और अब मैं कर रही हूँ अपना पासपोर्ट स्कैन, लेकिन बहुत लोगों का स्कैन नहीं हो रहा था, तो मेरा भी स्कैन नहीं हुआ। और अब मुझे मैनुअली स्कैन के लिए जाना पड़ेगा, और मैं जा रही हूँ अब मैनुअली स्कैन के लिए अंदर इमिग्रेशन की तरफ। और तो अब मैं लगी हुई हूँ इमिग्रेशन की क्यू में, तो अब देखते हैं कि यहाँ पर मुझसे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडिया में तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो अब देखते हैं कि यहाँ दुबई के इमिग्रेशन में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं यही सोच रही हूँ। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं बहुत सारे काउंटर है, तो मैं लेफ़्ट वाले काउंटर में लगी हूँ, और इसके बाद मैं बताती हूँ कि मुझसे क्या पूछा गया। पर इमिग्रेशन में मुझसे कुछ नहीं पूछा गया, और मैं आ गई हूँ अब अपने बैग लेने। उन्होंने जस्ट स्टैंप लगा दिया है पासपोर्ट पे, और अब मैं बैग का वेट कर रही हूँ। यहाँ का इमिग्रेशन तो बहुत इजी पास हो गया, कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। इंडिया में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, तो जस्ट वेट कर रही हूँ बैग के लिए। और अब बस बैग आने ही वाला है, हमारा जो बैग है वो बेल्ट नंबर 3 पे आने वाला था, तो मैं बेल्ट नंबर 3 पे आ गई हूँ। और ये मिल गई है मुझे बैग, अब मेरा यहाँ पे बैग का भी काम कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों, ये वीडियो जो है वो मैं यहीं पे अब फिनिश करती हूँ, और इस वीडियो को बहुत सारा अपना प्यार देना, चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करना।